Smoos Kumari, Justice Verma, Justice Thapliyal, Justice Lohit, Justice Sharma, and many senior advocates I know, Mr. Pandeji, Sharma ji, Advocate General of the state, and many others, and many young lawyers I recognize, but some of them are new. I mean, there are some new faces also. Main Hindi bolu. होता यूँ है कि जब आप बहुत कुछ कहना चाहते हो तब बोल नहीं पाते, तो मुनासिब लफ्ज आते नहीं है आपकी जबान। तो मैं जब पहली बार आया, जब यहाँ मैं जज बना था, तो मुझे याद है यही जगह थी वो, ऐसी लोग थे, मैंने इतना कभी बड़ा वेलकम किया था आपने मुझे, खुशी थे। तो मुझे उस वक्त ये शेर याद आया था, वो आपको सुना देता हूँ, जो मेरी जो कैफियत है इस वक्त वो अच्छी तरह से बयां करेगी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। बात तो मैं बहुत करना चाहता था आपसे, बड़ी लंबी दास्तान, कैसे इलाहाबाद से यहाँ आया, जब यह हाईकोर्ट बना भी नहीं था, उत्तराखंड बना भी नहीं था, तब से मेरे कितना आना जाना नैनीताल में होता था। फिर जब उत्तराखंड बना, फिर मैं यहाँ आया, तो मुझे याद है उस दिन हमने एक दिन पहले, मेरी छोटी सी गाड़ी थी सेंट्रो, तो उसमें मनोज कैंडिडेट से मैं भी चलूंगा, फिर थपलियाल की वजह से मैं आ ही रहा था। मैंने कहा मेरे पास तो मुकदमा नहीं है, सरकार ने कहा मेरे पास तीन रिट है। तो उस तरह से हम लोग आए, मैं और वो कौशिक, चार लोग हम लोग थे। तो रास्ते में आते रहे और कई ख्याल थे, कैसे होगा, एयरपोर्ट किधर होगा, कहाँ पे होगा, कुछ हम लोग को पता भी नहीं था। कहा रात को मैं, मनोज का तो घर था यहाँ, मैं और राकेश एक होटल में टिके थे, वाइट रेबेका है कुछ नाम था उसका। फिर हमने रात को खाना खाने के बाद हमने अल्पानी देखा, हमने कहा थोड़ी चहल पहल होगी, लोग हंगामा मचा रहे, हमने नया उत्तराखंड बन रहा है उस दिन, कुछ जगह था कुछ जगह नहीं था, पर हम लोग सुबह सुबह आए, हम सुबह यहाँ। अब कहाँ हमारी गाड़ी खड़ी कर दी उन्होंने, पता नहीं किस होटल में, बहुत पैदल चल के फिर हम आए, इधर से उधर से घुमाते रहे, जैसे कुंभ के मेले में घुमाते हैं ना, ट्रैफिक को थोड़ा रेगुलेट करने के लिए आदमी चलता रहे, तो इधर उधर करते रहे। फिर हम लोग इधर से आए और बहुत भीड़ थी यहाँ पे, तो उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ आना चाहिए, नया हाईकोर्ट है। पहले दिन शुरुआत हुई, जब जस्टिस देसाई और जस्टिस पीसी वर्मा की बेंच थी, ये तनवीर आलम खान साहब भी थे एकदम सामने खड़े हुए, सब अपने हिस्ट्री में नाम दर्ज करना चाहते कि मेरा पहला केस हो। तो किसका हुआ पता नहीं, उसका रिकॉर्ड में क्या है, पर मुझे याद है उन दिनों। फिर खैर उसके बाद सिलसिला बना रहा, चलता रहा, और कई दोस्त बन गए यहाँ पे। मुझे बहुत, एक चीज तो मैं जरूर कहूँगा आपसे कि मुझे जितना प्यार, जितना अफेक्शन यहाँ मिला, कहीं नहीं मिला। मैं जब मुझे मकान की तलाश थी, तो मुझे डॉक्टर तोलिया, आप सब जानते होंगे डॉक्टर आर एस तोलिया को, जो बाद में चीफ सेक्रेटरी भी रहे, उस दिन वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी FRDS थे, जैसे यूपी में होता है ना एग्रीकल्चर का पूरा एक जबावड़ा अलग ही होता है, उसकी फाइलें किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जाती, तो एक तरह के चीफ सेक्रेटरी थे उस डिपार्टमेंट के। तो उन्होंने कहा कि यू मस्ट गिव लेक्चर्स इन ATI, मैं ATI में जाके लेक्चर देने लगा, तो वहाँ पर मुझसे कहा कि आप यहाँ पढ़ाओगे, मैंने कहा पढ़ा लेता हूँ, वहाँ से पढ़ाने लगा, मुझे रहने के लिए जगह दे दी उन्होंने। तो उस तरह से डॉक्टर टोलिया बिकेम माई मेंटर, मेरी बहुत, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा पहाड़ के बारे में, यहाँ के पूरा कैसे कैसे अलग हुआ कुमाऊँ, किस तरह से कुमाऊँ के पहले कमिश्नर्स कैसे थे, क्या क्या उन्होंने किया, बड़ी बारीकियाँ उनको पता थी।
तो उसके बाद फिर जब मुझे याद है शुरू में जब आए थे तो रहने के लिए भी जगह नहीं थी, यहीं पे मैं किसी होटल में, मैं राकेश रहते थे, उस होटल का नाम मुझे नहीं पता था, ललित होटल में रात रहे, दूसरे दिन मैंने कहा है तो होटल चेंज करना है यहाँ, क्योंकि हम हिसाब से आए थे कि दो तीन महीने के लिए कोई होटल उस तरह का हो कि जिसमें दो तीन महीने सस्टेन कर पाए। पर हुआ क्या कि फिर मेरा कुछ नैनीताल क्लब में हो गया, तीसरे दिन मुझे चीफ ट्रेनिंग कौंसिल बना दिया। तो रात को मुझे पता चला, सुबह मैं जब मैं आँख खुली उसमें नैनीताल क्लब में, तो सात आठ लोग बड़े बड़े भूखे लेके खड़े हुए थे। तो मैंने समझा नहीं क्या कहते साहब आप चीफ ट्रेनिंग कौंसिल हो, तो वैसे तो होता ही नहीं, पर जो जो महत्वपूर्ण शब्द था उसमें वो था चीफ। तो ये चीफ नया था, तो चीफ का लोगों ने सोचा ये चीफ तो यही है वकीलों में, एडवोकेट जनरल भी नहीं जानते थे लोग। एक पीसीएस ऑफिसर जो अभी आईएएस बना था वो मेरा दोस्त था वहां पे, यसुन बॉडीगार्डवाल, तो वो एक दिन आए भाई साहब आपसे एक शिकायत करनी है, मैंने कहते किसकी, कहते एडवोकेट जनरल ने बड़ी बदतमीजी की और आप मैं आपसे शिकायत कर रहे हैं, मुझे सीनियर पता है कैबिनेट रैंक के नजर होंगे पर चीफ तो आप ही हो। इस तरह मतलब मैं बुनियाद रेडियो के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नित्यानंद स्वामी थे चीफ मिनिस्टर, तो उनसे बात हुई, नई लिखा पॉलिसी आई थी तो उनसे बात करना था, वो भी भूल गए, उनका कैबिनेट चला था। फिर वो गाड़ी में बैठ के जाने लगी, रहते गए और तो ऑफिस, तो उनके जो लोग थे उन्होंने पकड़ लिया उनको, हम लोग बैठे बैठे ड्रॉइंग में मैं गया, तो उन्होंने कहा क्यों क्या चीफ साहब आपका वेट कर रहे हैं, चीफ तो मैं हूँ। तो फिर इस तरह से होता था, उसमें अच्छा लगा, यहाँ पे एक नया एक पूरा ऑफिस यहाँ पे खोलना था। मुझे याद है कि पहले एक ऑफिस भी नहीं था हमारे, मेरे पेड़ के नीचे मैं खड़ा होता था और कोई भी कंधे पे हाथ कहता लोग रिपिटेशन चार कॉपी। तो फिर भाई नैनीताल में जो क्लब में जो हमको कैटरिंग कर रहे थे मेंटेनेंस वगैरह, हमने किसी को वही बना दिया, सब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बन गया, फिर अब चार पांच वहीं से बना दिए। और फिर टाइपराइटर नहीं थे, स्टेनो कैसे लिखे, तो मैं एक दिन उन्हें यहाँ के साथ गया कुमाऊं मंडल विकास निगम, तो वहां से हम दो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से लेकर के चले आए, हमने कहा यूज ही नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ यूज करें, वो हमने यूज किया। फिर एक जगह मिली है मैंने नैनीताल क्लब में, फिर पीडब्ल्यूडी से लड़ झगड़ के हमने ये वाला अब क्या एक कोटी का कुछ है यहाँ पे, वो जब हमने ले लिया उसको ठीक ठाक करा दिया, एक मैंने अपने लिए एक बुनियाद दी गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए बढ़िया बन गया। तो एक दिन मुझे फोन आता है कि आपको जैसे किसी और में बुला रहा, मैं वहाँ गया तो वहाँ चीफ सेक्रेटरी से कहते हैं ये जो तुम्हारा है तुम अपने ऑफिस को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम्हारे लिए स्पेस बहुत कम है, ये हमको दे दो। मैं जानता था उस तरीके से, मैंने कहा सर ये कम है छोटा है तो रहते तो मुझे दो। तो उन्होंने कहा यहाँ पे हमारे दो कोर्ट रूम खुल जाएंगे, मैंने कहा फिर लड़ गए ये वो लिया। फिर पर धीरे धीरे बनती गई, फिर और स्पेस मिली, काम चलने लगा और यहाँ से मैंने कई चीज़ें सीखी, क्योंकि मैं वहाँ पे एटीआई में पढ़ाता भी था। तो इलाहाबाद में तो ऐसा होता था कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप आपके पास नया केस आया तो आप आपके सीनियर भी उनको पकड़ के पूछ लेते थे, तो उनके जो सीनियर होते थे वो बाद में जैसे जस्टिस अशोक भूषण जस्टिस जतीन सिंह मैं गाउन पकड़ खींच लेता था इसमें क्या करना है बता दे ग्रेड टाइप करो रिविजन टाइप करो। अब यहाँ कौन है किससे पूछे, यहाँ तो थोड़े दिन में हमारे गांव खींचने लगे क्या करना है इसमें, तो उसके लिए पढ़ना पड़ा। और फिर मैं यहाँ पे पढ़ाने जब लगा तो वहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स आते थे 6 to 9 इयर्स, अब उनको बताना है गुंडा है आपने कभी देखा नहीं गुंडा है, और तो उन दिनों वो होता था कोटा, तो वो पढ़ा मैंने फिर, तो पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत बन गई है, वहाँ लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी थी एटीआई की, तो मेरा ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में करता था, मैं नोट्स बनाता था लेक्चर देता था, फिर यहाँ आके कोर्स अटेंड करने होते थे फिर भागता था गया। तो एक बड़ा बिजी शेड्यूल था, पर उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसने उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा पढ़ा,
जिसने आगे मुझे बहुत मदद की, और जो भी आप लोग यहाँ पे हैं, अगर अगर कुछ सबक है उससे तो ये है कि जिंदगी में कभी आप नेगेटिव मत सोचो किसी के। मैं यहाँ पे गोल्फ खेलता था तो एक 92 साल के गोल्फर थे, अब तो 100+, मजीठिया साहब अभी हूँ है और अभी भी शायद गोल्फ खेलते होंगे, मैंने सोचिया। तो एक दिन गोल्फ खेल रहे थे वो, तो मैंने मजीठिया साहब से पूछा, मैंने कहा मजीठिया कि उस वक्त भी अगर वो गलत शॉट लग जाता था तो पूछते थे कि क्या गलती कर दी मैंने और कैसे इसको इम्प्रूव करूँ। तो मैंने पूछा मजीठिया साहब से कि आपका ये कुछ राज, कुछ मंत्र बताओ मुझे, क्या है आपका राज। तो मजीठिया साहब ने कहा कि आई हैव नेवर थॉट नेगेटिव अबाउट एनीबडी इन माय लाइफ। मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा नेगेटिव सोचा ही नहीं कि इसको गिराऊं, इसकी इसकी टांग काटूं, इसका यूं करूं। तो वो एक बहुत बड़ा लेसन है। आप हर आदमी अपने करियर में आगे जाना चाहता है, करता है, फुटबॉल का मैच है, मारो गोल, जोर से गोल करो, पर लंगड़ी मत मारो किसी। तो वो मजीठिया साहब से मैंने एक बड़ा सवाल सीखा और इस तरह से सिलसिला चलता गया। मैंने बहुत अपने कोलीग से बहुत सीखा, जितने जजेज आए उनसे बहुत बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली। किस तरह से जस्टिस सिरपुरकर जैसे फॉर एग्जांपल उनके सामने बहस करते थे, वो एकदम आपको एकदम एग्रेसिवली आपसे इधर करते थे और आप पर अंत तक वो ही वॉज ओपन। अगर आप उनको उनका आपको आर्गुमेंट उनको समझ आ गया तो अपना व्यू चेंज कर देते थे, वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी। उसी तरह जस्टिस कापाटिया का मैंने देखा, इतने इंडस्ट्रियस थे, इतने पढ़ते थे, वो सुबह आ जाते थे इस कोर्ट में 8 बजे, रात के 8 बजे जाते थे। क्रिमिनल वर्क, कई क्रिमिनल अपील्स उन्होंने डिसाइड की, उन्होंने कभी क्रिमिनल काम किया नहीं था तो उनको डिक्टेशन देने में दिक्कत, तो हाथ से लिखते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि वर्क लाइक अ हॉर्स, लिव लाइक अ हर्मिट। बहुत मेहनत किया। इसी तरह से मैंने और जजेस से काफी सीखा, जैसे जैसे बारिन घोष थे हमारे, स्लाइटली अपफ्रंट, तो लोग कई बार उनसे ऑफेंड फील करते थे, बट वो वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प, खड़ा से पॉइंट पकड़ लेते। तो इस तरह से आप जो भी लोगों के साथ रहे उनसे अच्छी चीजें सीखे, उनसे एक अभी तो टाइम और मैं खत्म करता हूँ इसके साथ। तुम एक तो आदमी की दिक्कतें, एक आदमी की मुसीबत, आदमी की परेशानियां, वो समझने में टाइम लगता है। एकदम से फैसला नहीं देना चाहिए, पहले समझना चाहिए। मैं खत्म करता हूँ गालिब का एक गजल के कुछ शलार है और वही मेरी जिंदगी का पूरा एक कोई फिलॉसफी है तो यही है कि गालिब ने कहा है कि जो है ना इतने मरियम हुआ करे कोई, इतने मरियम का लगता हुआ करे जीसस क्राइस्ट को, इतने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। इम्पोर्टेंट है वो ये कि न सुनो घर बुरा कहे कोई, न कहो घर बुरा करे कोई, रोक दो घर गलत चले कोई, बख्श दो घर खता करे कोई। आप भी कहा
पता जैसे भी कि इसी